हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आई एस प्लाजा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। कनेडा के वालों एक नवी अपडेट आई है स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, जिड़ी कि अज की इस वीडियो मैं तो शेयर कराँगा। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट आ, मैं तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। जो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो फिर स्टार्ट करते हैं अज की यह वीडियो। ABP सांझा जो कि एक मीडिया एजेंसी है, उन्होंने वालों अपडेट छापी तो सांझी की गई है। कनेडा के 1500 विद्यार्थियों के दाखला पत्र निकले फर्जी, होंगे डिपोर्ट पंजाबियों की, देखो किन्नी गिनती। कनेडा में फर्जी दाखला पत्र के आधार के उत्ते एंट्री करने वाले विद्यार्थियों खिलाफ हुण ट्रूडो सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिता है। इस दे लई सरकार ने विशेष टास्क फोर्स बना दी है। कनेडा सरकार ने फर्जी अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों कनेडा में दाखिल होने तो रोकण के लिए निजमों को सख्त करना शुरू कर दिता है। नवे वीजा निजमों के तहत कनेडा के किसी भी कॉलेज या यूनीवर्सिटी में दाखले स्टडी परमिट जारी करने तो पहले उस कॉलेज या यूनीवर्सिटी वालों दाखला पत्र तस्दीक किया जाएगा। उत्थों तस्दीक करने तो बाद ही विद्यार्थी स्टडी वीज़ा जारी किया जाएगा। ये जो नवी तब्दीली निजमों के की गई है, नवे स्टडी वीज़ा निजमों जारी करद कनेडा के इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि फर्जी दाखला पत्र साढ़े लिए सब तो बड़ी चिंता का विषय हैं। कई बार विद्यार्थियों भी इस धोखाधड़ी बारे पता नहीं होंगे। अजिहे मामलों में असी विद्यार्थियों की मदद भी करांगे। मैं पिछले कई हफ्तों में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को मिलिया हाँ, यह कहना गा उन्होंने इमीग्रेशन मंत्री, तो उन्होंने कई तरह दी समस्यावां दा सामना करना पिया। उन्होंने कहा कि असली विद्यार्थियों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, जबकि फर्जी विद्यार्थियों को कनेडा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनेडा एंड ने फर्जी दाखले के मामलों का पता लगाने एक विशेष ICC टास्क फोर्स बनाई है। ICC टास्क फोर्स ने पहला ही जाली दाखला पत्र 1500 तो वध विद्यार्थियों के वीजा एप्लीकेशन की शनाख्त कर ली है। इस विचों 450 विद्यार्थी फर्जी दाखला पत्रों की मदद के नाल कनेडा में पहुँच चुके हैं। इन्हां विचों 263 केसों की जाँच की जा रही है, जिन्हां विचों 63 केस सही और 103 फर्जी पाए गए हैं। इन्हां विचों 25 के करीब केस पंजाब के विद्यार्थियों के नाल संबंधित ने। हुण फर्जी विद्यार्थियों को रिपोर्ट किया जाएगा। अजिहे मामलों में जिथे विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं पाई जाती, उन्होंने अस्थाई स्टडी वीज़ा दिता जाएगा और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका भी दिता जाएगा। हालांकि जलंधर के वीज़ा सलाहकार वालों भेजे गए 700 विद्यार्थियों का मामला बखरा है, इसकी जाँच बखरे पद्धर से चल रही है। इसी जो ताज़ा अपडेट कनेडा के इमीग्रेशन विभाग के वालों जो प्राप्त हुई है। होर कोई भी नवी जानकारी आएगी चैनल पर शेयर करांगे। धन्यवाद जी सारे का।